इस जगह गई चाहते अब मेरी, छीन लूंगा तुम्हें सारी दुनिया से ही। ओ, मेरी सुबह भी तू ही है ते तू ही शाम है, इस जुबान ते इक ही नाम तेरा नाम है। कठ पुतली तेरी दिल का दरिया, इश्क इबादत, खुद को मुझे मेरी जरूरत। आरू। हाँ मम्मी। आजा बेटा खाना खा ले, मेरा राजा बेटा। भैया कोई रहता है क्या यहाँ पे आपका? है नहीं, था। दिल करेगा विरह लागी, हंस हंस के सब कुछ सह लागी, माहिया तू वादा कर। Thanks for waiting. चलिए। I'm upper class, but the problem is कि मेरे parents काफी middle class हैं। Let's be. मेरे पापा गाड़ी में दो बार पेट्रोल भरवाते हैं। उन्हें लगता है कि 250 का पेट्रोल दो बार भरवाने से 500 से ज़्यादा डलेगा। She always cracks me up with this joke. But पता नहीं आजकल कहाँ गायब हो गई। हाँ। काफी दिनों से इसका कोई वीडियो नहीं आया। डन। तो वन मंथ इट इज। अंकल आप एक काम करिए, मिसेस कामिनी को बोल दीजिए कि एक बार आके घर देख ले। ओके। ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट करने के बारे में नहीं पूछा। लेकिन कम से कम घर के बारे में कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार पूछ तो लेती। अगर आज भैया होते तो। पर अब नहीं है, और ये मेरे डैड की प्रॉपर्टी है, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। अगर पता होता तो भैया भाभी और ईशान आज जिंदा होते, पर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारे लिए तो सब एक मजाक है। जाओ बन जाओ अब रितांबरा भेष से रित्स भी, और बना दो अपने परिवार की मौत पे एक और जोक। अच्छा होता अगर उनकी जगह तुम ही मर। कुंती दी, मैं शॉपिंग जा रही हूं। अगर पता होता तो भैया भाभी और ईशान आज जिंदा होते, पर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारे लिए तो सब एक मजाक है। अच्छा होता अगर उनकी जगह तुम ही मर। हाय रिट्स बी। बस हम अभी कुछ दिनों में लौट आएंगे। बाहर ज्यादा घूमना मत, टाइम से खाना पीना। बाय। इस जगह गई चाहते अब मेरी, छीन लूंगा तुम्हें सारी दुनिया से ही। ओ, मेरी सुबह भी तू ही है ते तू ही शाम है, इस जुबान ते इक ही नाम वो तेरा नाम है। कठपुतली तेरी मैं, जिवें मर्जी खेड लवी, तू हसदा है ते मेरा रब हसदा, तेरे अंदर मेरा खुदा वसदा, माहिया तू वादा कर। माहिया तू वादा कर, कद दूर न जावेगा।
हाय मिस्टर दीपक मिश्र हैं? अभी घर पर कोई भी नहीं है, आप बाद में आइएगा। सॉरी यार, माय शॉपिंग तो रह गई। तू ठीक है ना? शॉपिंग तो ऑनलाइन भी हो जाएगी। ओके बाय। अच्छा हुआ तुम मिल गए, मैं तुम्हें तब थैंक यू नहीं बोल पाई थी। अच्छा हुआ तुम मिल गए, मैं तुमको थैंक यू नहीं बोल पाया। Dude, you crack me up. I'm your big fan, ma'am. By the way, I'm Arman. If you don't mind, can we take a selfie? Two of my favorites in a single frame. This house and you. जानते हो किसी को यहाँ पे? Mr. Deepak Bishnoi. I mean, जानता तो नहीं, but हाँ, मिलना था उनसे. By the way, you also stay in this neighborhood? Yes. फिर तो तुम इन्हें जानती होगी. Can you please do me a favor? क्या तुम मुझे इस घर के अंदर ले जा सकती हो? Maybe I can, but क्यों? Actually, it's my house. I mean, it was my house. मेरे mom dad ने घर बनाया था. Then they sold it to Mr. Bishnoi, and we moved to Canada. Come. Seriously, you can help? I think I can. Kyunki ye mera ghar hai. ये अभी भी यहां पर है, तुमने हटाया नहीं इसको? पता नहीं, ख्याल में ही नहीं आया। मेरा छोटा भाई ईशान इसे चलाता था, फिर वो बड़ा हो गया और ये यहीं रह गया। चलो चलो जल्दी से फिनिश करो, फिर ना हम बाहर खेलने जाएंगे। You know, ये पहले मेरा रूम हुआ करता था और मैंने दरवाजे पे एक साइन बोर्ड लगा रखा था। ये मेरा रूम है। प्लीज जस्ट इग्नोर दिस, ये कुछ भी बना दिया है मैंने। इट्स ब्यूटीफुल बाय द वे। पेंटिंग के बारे में कुछ ज्यादा तो नहीं जानता, बट इसको देख के ऐसा लग रहा है कि कुछ तो अधूरा है इसमें। यू वॉन्ट टू सी द अदर रूम? You know, होली पे मेरे सारे दोस्त घर पे आ जाते थे and we used to have so much fun. ये सारा शेयर के सब गंदा कर देते थे and on दिवाली as well, हम यहाँ इतने रॉकेट जलाते थे ना, एक बार तो सारे शीशे भी टूट गए थे and you know, on this we used to slide और एक दो की तो हड्डी भी टूट गई थी। दीदी बोल रही थी सब लोग बाहर गए हैं, would love to meet them. कब आ रहे हैं सब? Never. I lost them last year. It's okay. तुम्हें मेरे लिए सॉरी फील करने की जरूरत नहीं है। I'm good. I think I should leave.
थैंक यू सो मच. आई रियली डोंट नो हाउ यू डू इट बट यू आर वेरी ब्रेव. चिल, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. नथिंग इज फॉरएवर. बाय. रितु दी, क्या जरूरत थी उसे घर में घुसाने की? आजकल भरोसा है क्या बाहर वालों का? और घर वालों का है. दीदी आप प्लीज खाना लगा दो. हाय, वो एक्चुअली छोटा सा फेवर और चाहिए था. मैंने सुना है लखनऊ में शॉपिंग बड़ी अच्छी होती है. सो कैन यू कम अलोंग विद मी? आई एम लिटिल स्केर्ड. स्केर्ड? हाँ, एक्चुअली यहाँ NRIs को सूंघ के पहचान लेते हैं. सो कैन यू कम विद मी? तुम्हारी भी तो शॉपिंग रह गई ना. वो मैंने तुम्हें अपनी फ्रेंड से कहते हुए सुना था. श्योर, आई कैन कम अलोंग. मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगी कहाँ है. आपके पास मेरा नंबर नहीं है. दे दूं? Thank you. Bye. इस जगह गई चाहते अब मेरी छीन लूंगा तुम्हें सारी दुनिया से ही. मेरी सुबह भी तू ही है ते तू ही शाम है. इस जुबान ते एक ही नाम तेरा नाम है. कठपुतली तेरी मैं ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੇਡ ਲਵੀ. ਤੂੰ ਹੱਸਦਾ ਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੱਸਦਾ. ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਵਸਦਾ. ਮਾਹੀਆ ਤੂੰ ਵਾਦਾ ਕਰ. मुझे तो लगा कि तुम NRIs को बार्गेनिंग की स्पेलिंग भी नहीं आती होगी. मैडम बिजनेसमैन हूँ, बार्गेनिंग हमारे खून में होती है. कैन आई आस्क यू समथिंग? श्योर. Why did you stop performing? No reason in particular. I guess it doesn't excite me anymore. Or वैसे भी मैं नेक्स्ट मंथ ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो रही हूँ फॉर हायर स्टडीज. फिर ये घर? सेलिंग इट ऑफ. ये घर, पापा की कारपेट फैक्ट्री, दोनों बेच के फिर सीधा ऑस्ट्रेलिया. बट आई थॉट कॉमेडी वॉज योर कॉलिंग. यू नो वट इज माई कॉलिंग राइट नाउ? हॉट स्टीमी पनीर रोल. व्हाट्स इट? डन. Excuse me. ऐसा लग रहा है 15 साल बाद कुछ खा रहा हूँ. It's so good यार. यार मुझे एक बात समझ नहीं आती कि तुम NRI लोग जब इंडिया वापस आते हो तो हर चीज पे इतना ओवर रिएक्ट क्यों करते हो? पानी बहुत बढ़िया है, हवा बहुत अच्छी है. मैडम किसी चीज की वैल्यू तभी पता लगती है जब वो चीज तुम्हारे पास नहीं होती. क्या हुआ? कुछ नहीं. If you don't mind me asking, तुम इंडिया वापस क्यों आए हो? Actually, I have an Indian handicraft showroom in Canada. I'm just here to meet few sellers. इंडिया में manufacturing unit setup करना चाहता हूँ and small scale artisans को मौका देना चाह रहा हूँ in a more organized way. Wow, sounds interesting. चलो, let's call for the check. But thank you so much. देखो मैं exaggerate नहीं कर रहा. बट जिस होटल में मैं रुका हूँ ना उसका खाना बहुत खराब है. आई एम जस्ट प्लानिंग टू शिफ्ट टू होम स्टे. अपने इस इंडियन विजिट के लास्ट लेग में आई जस्ट वॉन्ट टू फील एट होम. आई होप Airbnb पे मुझे कुछ अच्छे ऑप्शन मिल जाएं. एक्सक्यूज मी प्लीज. तमरा बेटा, तुम्हारी चाची के कुछ रिलेटिव्स लखनऊ आ रहे हैं तो वो कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घर पर ही रुकेंगे. घर तो मैंने दे दिया. दे दिया? Airbnb पे अ गेस्ट जस्ट बुक्ड. अच्छा चाचा जी, मुझे जाना है. हाँ, नमस्ते. लेकिन सुनो,
तुम एयरबीएनबी पे घर ढूंढ रहे हो राइट? हाँ। ये चलेगा? यू सीरियस? कुंती दी खाना भी अच्छा बनाती है पर टैरिफ ये रहेगा। हाँ, नो बार्गेन। नो बार्गेनिंग। थैंक यू। ओके। एयरबीएनबी पर पहला गेस्ट और वो भी एक सिंगल एनआरआई स्ट्रेंजर। अनबिलीवेबल। यू डोंट नो द साइकोलॉजी ऑफ दी सीरियल किलर्स। हाँ तुम ना ये सड़े हुए क्राइम थ्रिलर्स देखना पहले बंद करो। और मैंने मातृ अंकल से बात कर लिया, ये घर पापा ने अरमान के डैड से ही लिया था। सो चिल। ओके, दैट स्टिल डजंट एक्सप्लेन कि ये वो सीरियल किलर नहीं हो सकता। ओके, तो चलो एक काम करते हैं, तुम खुद क्यों नहीं जाके उससे पूछ लेती? चलो। सो व्हाई डोंट यू आस्क द मैन हिमसेल्फ? हाय अरमान, मीट माय फ्रेंड अलीना। अलीना, अरमान। इसको लगता है कि तुम सीरियल किलर हो। शट अप प्रीतु, ऐसा कुछ नहीं है। नो नो, इट्स परफेक्टली फाइन। और इंक्वायरी करनी भी चाहिए। वैसे एक बात बताऊं, लास्ट मंथ कनाडा में मैंने एक लेडी का मर्डर कर दिया, उस वजह से मुझे इंडिया वापस भाग के आना पड़ा। कुछ भी दीदी, आप इसको इसका कमरा दिखा दो। अगर पता होता तो भैया भाभी और ईशाना जिंदा होते। पर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारे लिए तो सब एक मजाक है। अच्छा होता अगर उनकी जगह तुम ही मर। आई थिंक यू विल से कि मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं, बट आई रियली मिस पावर कट्स इन कनाडा। मतलब लाइट जाते ही सबका छत पर आ जाना, और छत का एक अपना अलग ही चार्म होता है ना? पता है बचपन में जब मैं शरारत करता था ना, तो मैं भागकर छत पर आ जाता था मम्मा से बचने के लिए, पर मम्मा कभी नहीं आ पाती थी। क्यों? She was suffering from cancer. डैड उनको यूएस लेके जाना चाहते थे फॉर ट्रीटमेंट, पर उनका कभी मन ही नहीं किया इस घर को छोड़ने का। आई गेस उनको पता था कि उनके पास इतना वक्त नहीं। I'm so sorry. मुझे नहीं पता था। एक बात पूछूं? तुम्हारी मामा के जाने के बाद तुम्हारे पापा को काफी अकेला लगता होगा ना? हाँ, इसलिए 3 महीने पहले वो भी छोड़ के चले गए। इसलिए मैं कनाडा में रह नहीं पा रहा था, बहुत अकेला हो गया हूं। I'm sorry, मैं तुमको ये सब क्यों बता रहा हूं? That's okay. मैं समझ सकती हूं। लाइट। कल मिलते हैं।
गुड नाइट रिट्स। हाँ रिक्वेस्ट, वो जो मेरी साइकिल है ना, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं वो ले सकता हूँ? आई जस्ट वॉन्ट टू रिपेयर इट। तुम्हारी साइकिल है, जो मर्जी आए करो। या गुड नाइट। गुड नाइट। कॉफी। थैंक यू। यू आर वेलकम। लिसन, मेरी बात मानो और तुम नई साइकिल ले लो, इसका कुछ नहीं होने वाला। इस साइकिल को दुनिया की कोई साइकिल रिप्लेस नहीं कर सकती। पर पुरानी मेमोरीज के साथ जी के क्या फायदा? आई थिंक वन शुड मूव ऑन एंड मेक न्यू मेमोरीज। मूव ऑन नहीं मैडम, मूव अलोंग। मेमोरीज ना हो तो पास्ट के वुंड्स पे मरहम कैसे लगेगा? अमीना बस साइकिल के ही ले लो, इट्स लाइक अ टाइम मशीन। ये मुझे लाइफ के उस बेस्ट फेज में लेके जाती है व्हेन आई हैड द बेस्ट टाइम। बस चले तो वहीं रह जाओ। हाँ लीना, मेरा बर्थडे भूल गई ना? किसने तुझे कहा कि मैं भूल गई? तू ना सरप्राइज को कभी सरप्राइज मत रहने दे। स्पॉइलर कहीं की। What? You have a surprise for me? I love you, Ritu. Mwah. Shit. अलीना का बर्थडे और मैं भूल गई, और मैंने उसके लिए सरप्राइज प्लान किया, ऐसा प्रॉमिस भी कर दिया। शिट, मैं क्या करूं? तो तुमने प्लान नहीं करा? कोई नहीं, करते हैं। Really? Yeah, I will help. Cool. Yeah. Great. अलीना यार, तुम रो क्यों रही हो? इतना भी बुरा डेकोरेशन नहीं है यार। शट अप, ऐसा कुछ नहीं है। फिर थैंक यू सो मच। अगर तुम्हें थैंक यू बोलना ही है तो मान को बोल, ये सारा इसका आइडिया था। थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम। बाय द वे, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। Thank you for doing this for Alina. किसने कहा मैंने सब
हलीना के लिए किया। क्या हुआ रिस? डोंट वरी, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम शी हैड एन एंजाइटी अटैक। हमेशा से ऐसी नहीं थी, पर अंकल आंटी और ईशान के जाने के बाद। इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, हाउ डिड शी लूज अ फैमिली? लास्ट ईयर रितु के पेरेंट्स उनके किसी रिलेटिव की शादी में दिल्ली जा रहे थे। रितु का बर्थडे था तो उन्होंने दिल्ली में ही रितु के लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान की थी, बट रितु को अपने फ्रेंड्स के साथ बर्थडे मनाना था तो वो दिल्ली नहीं गई। उसके पेरेंट्स उसे बर्थडे वाले दिन ही सरप्राइज देना चाहते थे तो वो दिल्ली से जल्दी निकल गए, बट रास्ते में ही उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। रितु सोचती है कि अगर वो अपने पेरेंट्स के साथ चली जाती तो उनके साथ ऐसा नहीं होता। शी ब्लेम्स हरसेल्फ फॉर हर पेरेंट्स डेथ। इसलिए तो वो अपना घर, अपनी कारपेट फैक्ट्री बेचकर ऑस्ट्रेलिया जा रही है। शी रियली मिसेस देम, और उसकी अपनों की कमी कोई अपना ही पूरा कर सकता है। चाय गरम कॉफी। ट्रेन में ऐसे ही बोलते हैं ना? हाँ। अब फटाफट पियो और चलो। कहाँ? ट्रेन में? गाड़ी से जाएंगे, बट सरप्राइज है बाबा, तुम पियो। तुम मुझे कहाँ लेकर आ रहे हो? पहुँच गए। अरमान, ये तो मेरे पापा की फैक्ट्री है, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुम इतने सालों से नहीं आई हो ना, इसलिए तुम्हें लेके आया। तुम्हें दिखाना था व्हाट यू आर मिसिंग आउट ऑन। मैं तेरी हो गईया, तू मैनु रोण ना देवी, दिल करेगा वे रह लागी, हस हस के सब कुछ सह लागी, माहिया तू वादा कर। तेरे बिन ना
beautiful. I know. मेरा है. तुम्हारे पापा ने बड़े प्यार से बनाया इस वर्कशॉप को. तो क्यों बेच रहे? Actually, मेरे ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद यहाँ पे कोई नहीं है जो इसका ख्याल रखे. And like I said, sometimes you have to move on in life. चले. पता है बचपन में जब भी पापा के साथ आती थी ना, तीसरा फेवरेट स्पॉट होता था. घंटों अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में खोई रहती थी. बीमार होना है क्या? हाँ, होना है. पता है बचपन में जब भी मुझे कोल्ड होता था ना, तो पापा मुझे गर्म पानी में थोड़ी सी ब्रांडी मिक्स करके दे देते थे. ये लो, मैं तुम्हें यहाँ चाय पिला रहा हूँ. हाँ. और पता है मम्मा उनसे कहती थी, क्यों बिगाड़ रहे हो लड़की को, देखना एक दिन हाथ से निकल जाएगी. जब मैं छोटी थी ना, तो पापा के साथ हर संडे यहाँ आती थी. और जब मैं बड़ी हुई तो पापा मेरे हर शो पर आते थे. उनकी फीलिंग्स और इमोशंस का मजाक बनाकर ही तो मैं लोगों को हंसाती थी. मेरे पापा गाड़ी में दो बार पेट्रोल भरवाते हैं. उन्हें लगता है कि 250 का पेट्रोल दो बार भरवाने से 500 से ज्यादा डलेगा. उनके लिए मैं वो सुपर हीरो थी जिसमें लोगों को हंसाने की पावर थी. उस सुपर हीरो को अभी भी बहुत लोग मिस कर रहे हैं रेट्स, कि वो फिर दोबारा कब आकर सब लोगों को हंसाएगा. कभी नहीं. अब उस सुपर हीरो में वो पावर नहीं है. सॉरी, आई यूजुअली डोंट डू दिस, पर पता नहीं तुम्हारे सामने क्या हो गया. इस जगह गई चाहते अब मेरी, छीन लूंगा तुम्हें सारी दुनिया से ही. मेरी सुबह भी तू ही है, ते तू ही शाम है. इस जुबान ते एक ही नाम वो तेरा नाम है. कठपुतली तेरी मैं, जिवे मर्जी खेड लवी. तू हसदा है ते मेरा रब हसदा, तेरे अंदर मेरा खुदा बसदा. माही नथिंग लास्ट्स इन माय लाइफ अलोन. रितु सोचती है कि अगर वो अपने पेरेंट्स के साथ चली जाती तो उनके साथ ऐसा नहीं होता. शी ब्लेम्स हरसेल्फ फॉर हर पेरेंट्स डेथ. इसलिए तो वो अपना घर, अपनी कारपेट फैक्ट्री बेचकर ऑस्ट्रेलिया जा रही है. शी रियली मिसेस देम. और उसकी अपनों की कमी कोई अपना ही पूरा कर सकता. तुम्हारे पापा ने बड़े प्यार से बनाया इस वर्कशॉप को, क्यों बेच रहे हो? पुरानी मेमोरीज के साथ जी के क्या फायदा? आई थिंक वन शुड मूव ऑन एंड मेक न्यू मेमोरीज.
आइए ना। घर तो बहुत अच्छा है बट आई विल हैव टू रिपेंट इट ड्यू टू द स्क्रिबलिंग ऑन द वॉल्स। नेक्स्ट वीक डील फाइनल करते हैं। श्योर मैम। मूव ऑन नहीं मैडम, मूव अलोंग। मेमोरीज ना हो तो पास्ट के वुंड्स पे मरहम कैसे लगेगा? क्यों कर रही है अपने साथ ऐसा? यू लव हिम, जस्ट लुक एट योर फेस इडियट। यू टू आर सो ब्यूटिफुल टुगेदर। And I ruined beautiful things. उसके पास जाऊंगी तो वो और दूर चला जाएगा मुझसे। I'll see you. You are finally moving on. मैं जाने से पहले इस घर की सारी फोटोज ले लेना, क्योंकि उसके बाद ये घर तुम्हें सिर्फ फोटोज में मिलेगा। बट अगर तुम मेरी तरह लकी रही तो शायद मिसेस कामनी इस घर में दोबारा आने दे। क्या पता मैं वापस आना चाहती हूँ भी या नहीं। Sometimes all you need to do is leave everything behind and move on. Are you really moving on? Moving on ka matlab purani yaadein, purane emotions ko saath leke jana hota hai, na ki unko chhodna. Sabki yaadein tumhari tarah achhi nahi hoti Arman. Sab tumhari tarah lucky nahi hote. तुम्हें नहीं पता कि मेरे मैं जब छोटा था तो स्कूल से आके रोज क्रिकेट खेलने जाया करता था। उस दिन भी मैं स्कूल से आया और क्रिकेट खेलने के लिए जाने लगा। माँ ने बोला कि रुक जा, कुछ बात करनी है। मैंने कहा कि माँ मैं आके बात करता हूं। वापिस आया तो वो नहीं थी। बहुत छोटा था मैं इस गिल्ट के लिए, इसलिए पापा मुझे कनाडा ले गए। पर मैं कभी सबसे दूर नहीं जा पाया। मुझे पता है रिट्स तुम्हारे साथ क्या हुआ है, बट उससे भागना इज नॉट द सॉल्यूशन। इंसान के रोने से उसकी स्ट्रेंथ का पता लगता है, वीकनेस का नहीं। गेट अप एंड गो अप टू दैट डैम स्टेज। अपने अंदर का गुबार बाहर आने दो। अगर मूव ऑन करना है तो ठीक से करो, भागो मत। जस्ट एक्सेप्ट इट। मूव ऑन नहीं मैडम, मूव अलोंग। मेमोरीज ना हो तो पास्ट के वुंड्स पे मरहम कैसे लगेगा? उनके भी होंगे ना, हम वादा करते हैं।
क्या तुम भी करते हो? एक बात बताओ तो, यादों में मरते हो क्या तुम? हमसे अब भी मोहब्बत करते हो? शान के रोने से उसकी स्ट्रेंथ का पता लगता है, वीकनेस का नहीं। अपने अंदर का गुबार बाहर आने दो, इससे भागने इट्स नॉट अ सॉल्यूशन। जमीने रो रो के समंदर भर दिए, क्या तुम भी रो रो के नदियां भरते हो? कौन है मुझसे पूछे मेरी हम सफर हर बारी, तेरे नाम से पुकार बैठे उसे कई बारी। एक बात बताओ रेक्स, रेक्स पेंटिंग के बारे में कुछ ज्यादा तो नहीं जानता, बट इसको देख के ऐसा लग रहा है कि कुछ तो अधूरा है इसमें। लीना रिट्स घर पे नहीं और अपना फोन भी नहीं उठा रही है। मुझे पता है वो कहाँ होगी, चलो मेरे साथ। हाय गाइस, दिस इज रिट्स बी। कतई कूल नाम है ना, but do you guys know what my real name is? It's Ritambara Bisht. Ritambara ladki ke naam se zyada ek baam ka naam lagta hai, hai na? Sardi sardat peeda ka kaam kare tamam, Ritambara baam. Naam ek, kaam anek. Pata nahi mere parents ne kya soch ke naam rakha. Acha parents se yaad aaya, kya aap log ki life mein bhi kabhi wo din aaya hai jab aapke parents aapko 2 din ke liye घर पर अकेला छोड़कर किसी रिलेटिव की शादी में जाते हैं? ये वो टाइम होता है जब उस इंडियन बच्चे को पता चलता है कि प्रिवेसी किसको कहते हैं। वो दिन मेरी लाइफ में भी आया, एक एक सेकंड कीमती था। और प्लानिंग इस लेवल की थी कि मेन डोर से मम्मा पापा बाहर जा रहे हैं और बैक डोर से फ्रेंड्स और दारू एंटर कर रहे हैं। और हाईलाइट तो तब थी जब कपिल, यू नो कपिल, जिसको मैंने अपने केमिस्ट्री के डाउट्स क्लियर करने के लिए बुलाया था, वो मेरे ही घर में मेरे ही रूम में किसी और को बायोलॉजी सिखा रहा था। आई वॉज विशिंग कि मेरे पेरेंट्स और थोड़े दिन ना आए और ये पार्टी यूं ही चलती रहे, और मेरी विश पूरी भी हुई। एंड दे नेवर केम बैक। सॉरी गाइस, मैं आपको यहाँ रुलाने नहीं आई थी। ट्रस्ट मी, किसी ने मुझसे कहा है गो अप टू दैट डैम स्टेज, अपने अंदर का गुबार बाहर आने दो। गेट अप, ड्रेस अप एंड शो अप ऑन दैट डैम स्टेज, और निकाल दो अपने मन का सारा गुबार। अगर मूव ऑन करना है तो ठीक से करो, उससे भागो मत। Just accept it. और मैं accept कर रही हूँ। That I need you in my life. I love you, Arman. I love you. I'm gonna be...